हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिकी मॉम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और ट्रिकी सी रेसिपी, जिसे आप अपने बच्चों के लिए कैरी कर सकते हैं फॉर वन वीक एटलीस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हेल्दी है आपके बेबी के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको चपाती बनानी है, इस तरह से जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है। मैंने उसमें ढेर सारा घी अप्लाई किया हुआ है और इसे ना हमें बहुत अच्छी तरह से सेक लेना है। अच्छी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा सेक लेना है, इसे बिल्कुल बिस्किट जैसा कर देना है, जलाना नहीं है, बिस्किट जैसा फ्राई कर लेना है हमको इसे। अब देखिए, ये थोड़ा सा इस टाइप का दिख रहा है। इसे हमें इसलिए ज़्यादा सेकना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाए। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। ये फिर ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है। रोटी है, रोटी वैसे भी बहुत अच्छी होती है। इसे आप सफ़र में कैरी कर सकते हैं अपने साथ। अब चलिए देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि थोड़ा सा दूध डालकर इसमें आपको 2 से 3 मिनट रख देना है। ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से, आपका बेबी जिस तरह से ये खा लेगा उस हिसाब से आप इसमें मिल्क ऐड कीजिए। आप थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से, इस तरह की कंसिस्टेंसी में आएगा। इसे आप सेरेलेक जैसे बच्चों को दे सकते हैं, सेरेलेक की जगह दे सकते हैं आप बच्चों को। ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें काजू है, बादाम है, रोटी है, घी है, सब कुछ है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है। मैं अपने बच्चे को अधिकतर सफ़र में यही दिया करती हूँ। आप चाहे तो दूध के साथ दीजिए, दूध ना मिले तो आप सूखा खिलाइए बच्चे को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।